हेलो एवरीवन, कैन यू हियर मी? यस सर। चलो टॉपिक डालिएगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सबसे पहले ऑर्गेनिक में जीओसी में आपको आना चाहिए कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना? आपको बता दिया था ना ऑर्गेनिक होगा, आज बता दिया था ना, दो दिन ऑर्गेनिक होगा, मंडे फ्राइडे इक्विलिब्रियम। सर बता दीजिए। हाँ, रोशनी सिन्हा नहीं आई थी ना बेचारी, उनको नहीं मालूम होगा। लिख लिया सारे लोग? यस सर। यस सर। हाँ, आप देखिए, दो मिनट लिखिएगा नहीं। मान लीजिए कि अगर आपके पास बेंजीन का नाम आपने सुना है, तो देखिए, दिस इज बेंजीन। अगर हम इसकी नंबरिंग एक 1, 2, 3, 5, 4, 5, 6 अगर आप देखें तो C1 से C2 डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है। C2 से जो C3 है वो बेसिकली 1.54 एंगस्ट्रॉम है। तो ऐसा भी हो सकता है, अभी कुछ भी नहीं लिखना है, सारे लोग ध्यान दें, कि डबल बॉन्ड मैं यहां भी दे सकता हूं, यहां भी दे सकता हूं, यहां भी दे सकता हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 C1 से C2 सिंगल हो गया। आप बताइए सिंगल हो गया कि नहीं, जल्दी बोलिए। यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब इसकी बॉन्ड लेंथ हो गई 1.54, C2 से C3 1.34। खुद सोचिए, हमने नंबरिंग क्यों की? एटम की पोजीशन फिक्स्ड है भाई, यहाँ 1, 2 के बीच में, जबकि दोनों बेंजीन है, 1, 2 के बीच में डबल है, 1, 2 के बीच में सिंगल, एटम की पोजीशन फिक्स्ड है, इसलिए मैंने नंबरिंग करके सिखाया। जो यहाँ 1 पर एटम है वही यहाँ पर 1 पर आए। तो केमिस्ट्री ने ये कहा कि भाई एक बेंजीन का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है बेसिकली वो ये है, इसलिए आप देखते हैं बीच में सर्कल बना रहता है। पढ़ा है ना बुक में, सर्कल बना रहता है कि नहीं? हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। हाँ, उसकी वजह आज आप पढ़ेंगे 3, 4, 5, 6। अब बताइए C1 से C2, C2 से C3 ऑल आर इक्विवेलेंट 1.39 ऑक्सीजन। ओ माय गॉड, गौर से सुनिए। जबकि बेंजीन में डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ एक्चुअल ये आती है, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि बेंजीन में तमाम की बॉन्ड लेंथ सेम है, ना ये प्योरली सिंगल है ना ये प्योरली डबल है, दोनों की बीच की वैल्यू है। तो गौर से सुनिए, आपको पहले ये समझना है व्हाई कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस इज यूज्ड अप्लाइड। तो गौर से सुनिए, बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर ये है, जो ये बता रहा है कि बेंजीन में तमाम बॉन्ड इक्विवेलेंट है, जबकि ये बता रहा है कि भाई अलग अलग बॉन्ड लेंथ है। तो गौर से सुनिए, क्या ये बेंजीन की प्रॉपर्टीज तमाम प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रहा है, ना ये कर रहा है ना बी कर रहा है? तो गौर से सुनिए, व्हेन ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिंगल कंपाउंड या व्हेन ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड
हाँ हेलो एवरीवन, आवाज आ रही थी मेरी? नो सर, नहीं आ रही सर, पॉज हो गया था सब कुछ। अच्छा सब कुछ अब आ रही है सर? अब ठीक है। अच्छा टॉपिक डाल लिया था, कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस। यस सर। वो डायग्राम नहीं बनाया था ना हम लोगों ने? नो सर, वो बनाना था। अच्छा चलिए एक मिनट रुक जाइए। अच्छा चलिए मेरे साथ साथ बनाइए, मैं फिर एक्सप्लेन करूंगा। चलिए वरना नेटवर्क की प्रॉब्लम फिर हो जा सकती है। 1 2 3 4 5 सारे लोग मेरे साथ साथ बनाइए। सर कर लिया तो। सारे लोगों ने लिख लिया? सारे लोग बताइए जल्दी से। यस सर। चलिए दो मिनट सुनिए। देखिए ये जो इस वाले स्ट्रक्चर में देखिए डबल सिंगल लग रहा है कि नहीं सबको? हाँ या ना? यस सर। यस सर। इस वाले में भी लग रहा है? यस सर। हाँ बेंजीन का ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है ये वाला। इसमें बताइए तमाम की बॉन्ड लेंथ सेम आ रही कि नहीं? 1.39। यस सर। यस सर। जबकि दिखने में डबल है, जबकि यहाँ 1.34 होना चाहिए, बॉन्ड लेंथ अलग अलग आने चाहिए। तो गौर से सुनिए, बताइए इसको मैंने ए मान लिया, इसको बी, क्या ए बेंजीन की तमाम प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रहा है? तो आप बोलिएगा नहीं, बेंजीन में तमाम की बॉन्ड लेंथ सेम आती, यहाँ तो अलग अलग आ रही है। ना ए बता रहा है ना बी बता रहा है। देखिए जब आपको आंसर नहीं आता तो बहुत सारे अल्टरनेटिव मेथड अप्लाई कर, तो केमिस्ट्री ने ये कहा। पहले आप समझिए कि रेजोनेंस का यूज क्यों हुआ, केमिस्ट्री में रेजोनेंस क्यों आया। तो ध्यान देना है आपको कि व्हेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द सिंगल स्ट्रक्चर। जैसे मान लीजिए इथीन है, इथीन में सी डबल बॉन्ड सी है, इसकी एक्चुअल लेंथ 1.34 है, आती भी इतनी है, तो ये प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रहा है। लेकिन when the all properties of the compound is not explained by single structure, तो जब सिंगल स्ट्रक्चर से तमाम प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं होती तो हम अल्टरनेटिव बनाएंगे कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। हाँ अगेन समझिए मेरी लाइन को, when all properties of the compound is not explained by the single structure, then two or more than two structure are required to explain all its properties. तो आप समझ जाइए जिस कंपाउंड का एक से ज्यादा अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर बन जाए, समझ जाइए वहां रेजोनेंस होगा। अरे बोलिए हाँ या ना, जल्दी बताइए। yes, जब भी कोई पूछे कंपाउंड शोज रेजोनेंस, तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि उसका एक अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर बने। कॉज क्या है, कैसे समझेंगे रेजोनेंस, वो सब धीरे धीरे अभी समझेंगे हम लोग। पहले समझिए क्यों रेजोनेंस आया। व्हेन ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड इज नॉट एक्सप्लेन बाय द सिंगल स्ट्रक्चर,
then two and more than two structure are required to explain all its properties, then compound known to have resonance, उसमें resonance होगा, तो benzene का actual structure ये है, इस दोनों को alternative structure कहते हैं, तो सर हम फिर क्यों लिखते हैं book सब में, क्यों इस तरह लिखा रहता है, क्यों हम अभी पेपर में इस तरह लिखते हैं, लिखने की वजह है इसकी properties को explain करने के लिए, अगर नहीं लिखेंगे तो एक्चुअल स्ट्रक्चर भी हम नहीं ड्रॉप कर पाएंगे, तो सिर्फ हम अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर को सिर्फ इसलिए लिखते हैं टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ द बेंजीन, यानी इससे पता चला कि जहां डबल था वहां यहां सिंगल है, इससे यह साबित हुआ कि यहां का जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज्ड है, घूम रहा है बियारी, हर तरफ घूम रहा है, नाच रहा है। अरे बोलिए ना, कुछ क्यों नहीं बोल पा रहे हैं आप लोग, समझ में आ रहा है? आ गया। हाँ, तो मेरे साथ साथ पहला पॉइंट लिखिए, व्हेन ऑल द प्रॉपर्टीज, ये आयुषी क्यों नहीं बोल रही, एक दिन तो बहुत बोल रही थी, आप क्यों नहीं बोल रही हैं? यस सर। आ रहा है ना समझ में? यस सर। सूरत आपको आ रहा है? सूरत, यस सर। When all the properties of a compound cannot be explained by single structure, then two and more than two structures are required to explain all its properties, then that compound is known to have resonance. Resonance की short form में definitions क्या बोलेंगे, क्या cause है resonance का, वो तो बाद में अभी बताया जाएगा, लेकिन पहले समझिए कि resonance क्यों आया, जब किसी भी compound का कि ऑल प्रॉपर्टीज को सिंगल स्ट्रक्चर अगर ना बता पाए तो हम उसका अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, इसी में आंसर आ गया कि जब बेंजीन का ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है तो ये दोनों क्यों बनाते हैं, तो उसका आंसर आ गया टू एक्सप्लेन, कुछ स्ट्रक्चर कुछ प्रॉपर्टीज ये बताएगा, कुछ प्रॉपर्टीज ये बताए, सब थोड़ा थोड़ा करके मिलकर पूरा बताएगा, तभी आप एक्चुअल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। बोलिए आया समझ में? हेलो एवरीवन। यस सर। Yes, ये लिख लिया था ना सारे लोग? यस सर। पॉइंट लिखिए, द वेरियस अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का जो वेरियस अल्टरनेटिव होता है, अल्टरनेटिव का मतलब ही हुआ कि वो रेजोनेंस शो करता है, इज कॉल्ड रेजोनेटिंग, अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं।
या दूसरा नाम कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, और जो इंटरमीडिएट बनता है एंड एन इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर समवेयर बिटवीन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड, लिख लिया? यस सर। गुड। देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं, आर आर एस जो होता है, आर हाइपोथेटिकल। तो ये हाइपोथेटिकल ड्रॉ इसलिए किया जाता है कि उसको प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सके जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है। आर हाइपोथेटिकल बट रेजोनेंस हाइब्रिड इज रियल, याद रखिए रेजोनेंस हाइब्रिड इज रियल। कोई डाउट? हेलो एवरीवन। नो सर। नो सर। रूल्स फॉर ड्रॉइंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अभी तो सब शॉर्ट फॉर्म बाद में, पहले एकदम डिटेल मेथड पर ये रूल फॉर ड्रॉइंग द स्ट्रक्चर। तो याद रखिए रूल जो होता है ना, जैसे यहाँ देखिए आपने इसका अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, तो बताइए क्या एटम की पोजीशन फिक्स्ड है कि चेंज हो गई, जल्दी बताइए। सर चेंज हो गई सर, फिक्स्ड है। बोलिए फिक्स्ड है, वो बोल रही है चेंज है। ये अल्लाह यहाँ वन पर जो एटम है वही वन पर है, ये अजीब है भाई। इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जहां चार था वहां दो हो रहा है, एटम की पोजीशन तो फिक्स्ड ही है ना साइंटिस्ट? यस सर। तमाम चना खाइए भाई, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई मतलब एटम शुड बी फिक्स्ड या शुड नॉट चेंज, ये सब पॉइंट सब याद रखिए, सब दे सकता है आपको। टोटल चार्ज भी सेम रहना चाहिए हर ड्राइंग स्ट्रक्चर में। अगर एक पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में प्लस वन है तो दूसरे में भी प्लस वन ही होना चाहिए टोटल चार्ज। समझा कि नहीं? Yes. सर एक सेकंड, प्रीवियस स्लाइड दिखा दो सर, वो नेटवर्क इशू से निकल गया था। बहुत नेटवर्क इशू रहता है, दिल्ली शिफ्ट हो गया दिल्ली। हाँ यस सर, अब आना पड़ेगा। यस सर। ओके,
ये लिख लिया सब लोगों ने? यस सर। तीसरी कंडीशन है, जब भी रूल ये सब रूल याद रखने, तीसरा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चाहे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो या अनपेयर्ड हो, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो सब पे, यानी अनपेयर्ड अनपेयर्ड पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुड बी सेम, ये रूल होता है ईच रेजोनेंस, शुड बी सेम ऑन ईच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कंट्रीब्यूशन ऑफ आर एस इन आर एच, आर एस का फुल फॉर्म जानते हैं ना? हाँ लिख लिया, जल्दी बोलिए। यस सर। अच्छा आप सारे लोग यहां ध्यान दीजिए, लिखिएगा नहीं प्लीज। अभी मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ, रेजोनेंस क्या होता है तो समझ गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर्स को कहते हैं, ये आपको आ गया, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ आर एच इन आर एच, मतलब ये कि देखिए यहाँ, जैसे यहाँ ए और बी था आपके पास, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है आर एच में, तो ये लाइन पहले समझिए, रूल को पहले समझिए, क्वेश्चन बाद में, इसका कुछ पार्ट बाद में आएगा एक दो क्लास के बाद, कि ए का कंट्रीब्यूशन आरएच में ज्यादा है कि बी का, तो गौर से सुनिए कि जो मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ए और बी है, हो सकता है दोनों की स्टेबिलिटी अलग अलग हो सकता है दोनों की स्टेबिलिटी सेम हो, ये इस पर पूरा क्वेश्चन आता है, राइट द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जब किसी भी कंपाउंड का एक से ज्यादा अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर होगा तो उसकी स्टेबिलिटी अलग अलग भी हो सकती है और सबकी सेम भी हो सकती है, तो उसका रूल निकालते हैं, कैसे निकाला जाता है ये टॉपिक के फॉर्म में आगे आएगा, लेकिन टॉपिक ये है कि ये जो अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर इसका कितना कंट्रीब्यूशन है टू इन आरएच, तो याद रखिए